हेलो दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं आपको एक एलईडी क्लॉक बनाना सिखाऊंगा। एलईडी क्लॉक से मेरा मतलब जो मैट्रिक्स डिस्प्ले आता है उसका क्लॉक बनाएंगे। तो मेरा पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने एचएनएच कार्ड से कुछ सामान मंगाया था, और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मेरे पास एक मैक्स 7219 4 इन 1 डिस्प्ले भी मंगाया था मैंने इसके साथ, जिसकी हम क्लॉक बनाने वाले थे। तो मैंने उसके ऊपर काम किया है, 15-20 दिन काम चला इसके ऊपर। कुछ इश्यूज थे वो भी सॉल्व किए, तो वो यूज़ करके मैंने उसका क्लॉक बनाया है जो कि बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो एक क्लॉक दो टाइप के भी काम बना सकते हैं आप, एक होगा ऑफलाइन और एक होगा ऑनलाइन। तो मैंने फिलहाल ऑनलाइन वाला बनाया है, जिससे कि हम इंटरनेट के थ्रू इसका टाइम अपडेट वगैरह सब कर सकते हैं। मतलब ये ऑटोमेटिकली चलते रहेगा, इस पर न्यूज़ दिखाएगा, वेदर दिखाएगा, हमारे लोकेशन सेट कर सकते हैं, मतलब हम जो लोकेशन में रहते हैं वही लोकेशन का वेदर बताएगा और न्यूज़ भी बताएगा आपको। बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें, मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊँगा। तो पहले देखिए, कुछ इस तरह की हमारी क्लॉक दिख रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पर डेट वगैरह सब बताएगा, इस तरह से स्क्रॉल होता रहेगा। तो अभी देखिए यहाँ पे चेंज होता रहता है इस तरह से, यहाँ भी वेदर वगैरह बता रहा है। अभी आपको शायद उल्टा दिख रहा होगा, मुझे पता नहीं, शायद उल्टा दिख रहा होगा आपको इसमें, लेकिन फ्रंट कैमरा दिखाऊंगा तो शायद सीधा दिख जाए। तो कुछ इस तरह की हम क्लॉक बनाने वाले हैं। तो देखिए, मैंने इसे ट्रांसपेरेंट केस में रखा है, कुछ इस तरह के एक्रेलिक केस में, जिससे कि और भी अच्छी लग रही है देखने में। कुछ इस तरह की देख सकते हैं, कुछ इस तरह से रोजली आपको मैं दिखा देता हूँ। बहुत ही छोटी सी और एकदम पोर्टेबल भी है इसके अंदर। यहाँ से आप पावर बैंक की तरह से यूज़ भी कर सकते हैं, यहाँ से भी आउटपुट ले सकते हैं। ये टाइप सी इनपुट रहेगा, यहाँ स्विच वगैरह दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, कोई प्रोजेक्ट पर हम जब काम करते हैं तो सबसे पहले हम उसे ब्रेड बोर्ड पर ही ट्राई करते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि इशू यहाँ पर कनेक्शन का या है कुछ है और है। तो मैं इसमें कोड अपलोड किया था, कनेक्शन वगैरह सब सही थे, लेकिन फिर भी इसमें इशू आ रहा था। तो आप देख सकते हैं, आगे आप वीडियो में दिखाएगा। देखिए ये डेट वगैरह सब गलत बता रहा था, देखिए -2 भी बता रहा था इस तरह से, जो कि मतलब इलॉजिकली था, कोई सेंस नहीं बन रहा था इसका। तो बहुत देर तक इसके बाद सॉल्यूशन निकालने के बाद मुझे इसके सॉल्यूशन मिले बहुत सारे। पहले तो इंटरनेट पर ढूंढा नहीं मिला, लेकिन फिर खुद से ही ढूंढ लिया मैंने। मतलब इसको टेस्टिंग करना पड़ता है जब भी आपको सॉल्यूशन मिलता है। आप तो बस यूट्यूब में वीडियो देख के बना लोगे, लेकिन जब मैं ट्राई कर रहा था तो मुझे इसके लिए 2 दिन तो भी लग गए थे। तो जब जाके ये अच्छे से काम कर रहा था, तो देखिए कुछ इस तरह से इसमें सब बराबर काम कर रहा था। देखिए न्यूज़ वगैरह सब A to Z बहुत ही अच्छे से काम कर रहा था। तो मैंने सोचा चलिए अब वायरिंग हटा देते हैं और उसके लिए PCB बनाते हैं। तो मैंने कंप्यूटर में इस तरह की PCB बनाई थी, लगभग इसे 1.5 से 2 दिन लग गया था, क्योंकि इसकी वायरिंग मतलब राउटिंग जो होती है वहाँ से करनी होती है, और सिंगल साइड PCB है तो बहुत सारी दिक्कत आती है। अगर आप ऑनलाइन GLC PCB से ऑर्डर करोगे तो उसके लिए डबल लेयर भी कर सकते हो, तो बहुत आसान हो जाता है। लेकिन मैं DIY के लिए बना रहा था सिंगल साइड, तो इसमें बहुत टाइम लग गया। तो देखिए बाद में मैंने इसका प्रिंट निकाल कर चेक किया, साइज़ वगैरह सब सही था। तो फिर मैंने इसकी आगे जाके PCB बना दी और उसमें कंपोनेंट्स लगा दिए। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसे शूट कर सकूँ कंपोनेंट लगाते वक्त, लेकिन फ़ोटोज़ ले लिया था मैंने जब ये बन चुका था, तो कुछ इस तरह से ये दिख रहा था। तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे ही, तो मैंने सोचा इसको एक्रेलिक की कवर लगाते। तो अब बात आती है इसके अंदर जो मॉड्यूल लगने वाला था, TP4056 या 5 वोल्ट का मॉड्यूल। तो इसमें मैंने पहले 5 वोल्ट का मॉड्यूल लगाया था, ये जो IP5306 है, लेकिन इसमें कुछ दिक्कत आ गई थी। देखिए इसी वीडियो में मैं बताता हूँ तभी इसमें क्या दिक्कत आ रही थी। देखिए जैसे ही मैं इसे पावर ऑन करता हूँ इस तरह से, तो ये ऑन नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही ऑफ करके फिर से ऑन कर रहा था तो ये ऑन हो जा रहा था। तो ऐसे ही कुछ जब हम चार्जर लगा के इसमें छोड़ देते थे तो लाइट चले जाने पर ये ऑफ हो जा रहा था, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी। तो मैं वापस हमारे TP4056 पे ही वापस आ चुका, और फिर उसको कंप्लीट हो गया था हमारा प्रोजेक्ट और इशू भी सॉल्व हो गया। तो गाइस चलिए अभी बात करते हैं कि इसको हम इसके अंदर प्रोग्राम करने के बाद इसके अंदर हमारी डिटेल अपलोड कैसे करेंगे। जैसे कि हम जिस शहर में रहते हैं हमें उसका डिटेल यहाँ पर डालना होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि हमें इसको AP मोड में डाल के ही करना होता है। तो सबसे पहले बात देखिए, जैसे हम इसे ऑन करते हैं तो ये ऑन होने के बाद ये बाई डिफ़ॉल्ट AP मोड में रहता है। अगर ESP हमारा इसका वाईफाई से कनेक्ट नहीं होता तो ये AP मोड में ऑटोमेटिकली रह जाता है। अगर कनेक्ट हो जाता है तो ये AP मोड में नहीं जाएगा, स्टेशन मोड में चला जाएगा। तो देखिए अब AP मोड में बता रहा है,
तो ये देखिए अभी एबी मोड में, तो हम इसे डायरेक्टली अपने मोबाइल के वाईफाई से कनेक्ट करके इसको प्रोग्राम सेट कर सकते हैं। तो अभी मेरा वाईफाई बंद है, तो ये डिफ़ॉल्ट से अभी एपी में ही है। अगर आपका ये वाईफाई से कनेक्ट हो रहा है, तो आप करना क्या है, जब भी यहाँ पर टाइम दिखाने लगेगा, जैसे मतलब यहाँ पर 8:10 या ऐसा कुछ भी टाइम दिखाने लगेगा, तो तब देखिए ये जहाँ पर ये रेड बटन लगा हुआ है, ये रिसेट का बटन है, रेड बटन को मैंने यहाँ पे होल्ड किया है ऊपर साइड से। तो इस तरह का जो मोबाइल के लिए सिम निकालने के लिए जो पिन आती है, उस तरह की पिन यूज़ करके हम इसके अंदर डालेंगे यहाँ से। तो ये जो रेड बटन है इसको प्रेस करेंगे, कुछ इस तरह के रेड बटन को प्रेस कर सकते। तो रेड बटन को हमें 5 सेकंड के लिए प्रेस करना होता है। तो ये कब काम करेगा रेड बटन का, जब भी टाइम दिखाने लगेगा आपको, ये ऐसे स्क्रॉल होते रहता है, जैसे कि अभी टाइम दिखा रहा है फिर डेट दिखाएगा, तो जैसे ही टाइम दिखाने पर डेट दिखाने पर चले जाएगा, तो ये बाद में सेट नहीं होगा। जैसे टाइम पे आएगा फिर आपको ये दबा देना है बटन 5 सेकंड के लिए, तो ये सेट हो जाएगा और एपी मोड में चला जाएगा ऑटोमेटिकली, इसके वाईफाई के इनिशियल्स भी इरेज हो जाएंगे। तो उसके बाद आप इसे वाईफाई से आपके कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये कनेक्ट करना है मोबाइल में, तो जस्ट आपका वाईफाई ओपन करिए, वहाँ पर यहाँ पर जो डिस्प्ले में दिखा रहा है EM8266 जो भी यहाँ पर दिखाएगा, वही सेम वाईफाई का नेम होगा एपी मोड में, उसे कनेक्ट करना है आपको। और जो ESP मैट्रिक्स ऐप है ऑनलाइन वाला, उसमें जाके आपको इसे सेटअप करना है। तो चलिए मैं भी इसके अंदर जाके, ऐप के अंदर आपको जाके बताता हूँ किस तरह से आपको डिटेल्स अपलोड करनी है। तो गाइस देखिए अभी मैं कैमरे में बता देता हूँ आपको। तो गाइस देखिए अभी हमारा आईपी मोड में, यहाँ पर ही कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं दिखाएगा। तो जस्ट अभी हम क्या करते, तो इसके वाईफाई से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर वाईफाई ओपन करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पर ये नाम दिखाएगा, ये जो डिस्प्ले में दिखा रहा था EM8895 कुछ इस तरह से ये बताएगा। तो वेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर EM8895 दिखा रहा है, जो कि हमारी जो क्लॉक है उसका एपी मोड में ये नाम दिखाता है। इस पर आप क्लिक करोगे तो ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से कनेक्ट होने के बाद आप इसको ये कीप कर दिए, क्योंकि इसको इंटरनेट नहीं है, तो ऐसे ही बताएगा कीप करना है हमें। और जस्ट जो हमारा ESP मैट्रिक्स ऑनलाइन वाला ऐप है, इसे ओपन करते। तो ओपन होने के बाद कुछ सेटिंग्स पहले आपको करनी, वो मैं आपको बताता हूँ। कनेक्शन एरर बताएगा इस तरह से, तो करना क्या होता है आपको, जो यहाँ पर ये इसका ESP का जो डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस होता है, गूगल कर लो या फिर यही कॉपी कर लो, तो ये सेम ही मिलेगा आपको। इस तरह का एड्रेस आपको डाल के यहाँ पर ओके करना है। तो ये डेटा अपडेटेड बताएगा ग्रीन कलर का यहाँ पे, जब ऐसे बताएगा तब आपको समझ लेना है कि ये कनेक्टेड है और इसमें डेटा अपलोड हो रहा है हमारा। तो देखिए पहले सबसे पहले जो ऊपर की साइड है ये क्लॉक फेस है, आप इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं, यानी ये क्लॉक जो मेन हमारी है उन्हें ऑफ या ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसका जो आइकन होता है, वो सारे आइकन दिए हैं इसमें, वो आप चेंज कर सकते हैं आपके हिसाब से। मैंने एयरप्लेन वाला रखा है, और 24 आवर्स वाला जो ऑप्शन है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे होगा क्या कि एयरप्लेन वाला मतलब जो आइकॉन वाला ऑप्शन है ये चला जाएगा और सेकेंड्स में दिखाने लगेगा आपको, फुल डिस्प्ले हो जाएगा मतलब। और एक क्लॉक का ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन कितना सेकेंड के लिए क्लॉक दिखाना चाहिए, मैंने अभी 15 सेकेंड सेट किया है, कुछ इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट आते हैं रिमाइंडर पे, तो रिमाइंडर में आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ मेरा चैनल का नाम डाला है YouTube डॉक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरह से टाइटल डालेंगे और मैसेज डालेंगे तो ये स्क्रॉल होते रहेगा हर थोड़ी देर में। और इसी तरह इंस्टाग्राम का भी डाला है, यहाँ पर इस तरह से डाला है। और इसमें रिमाइंडर 5 रिमाइंडर डाल सकते हैं आप। उसके बाद आता है कैलेंडर, कैलेंडर में कुछ सेटिंग नहीं रहती क्योंकि एंटी सर्वर से ही आपका सब ले लेता है डेटा, यहाँ पर जस्ट आपको चेंज करना है तो ये कर सकते हैं। और उसके बाद आता है वेदर, तो वेदर में जो API की होती है, ये आपको ओपन वेदर मैप पे जाके API की लेनी होगी, जो कि मैं इसका वीडियो बना चुका हूँ पहले ही, कैसे ID लेनी है। और ये CTID भी यहाँ पर डालनी होती है आपको। बाकी देखिए लोकेशन, अगर आप जो जगह पे रहते हैं तो उसका लोकेशन का नाम भी बताना चाहते हैं तो वो भी ऑन कर सकते हैं इस तरह से, मैंने ऑफ रखा है फिलहाल, बाकी ये भी सेटिंग ऑन या ऑफ कर सकते हैं। एक टेम्परेचर की सेटिंग है जो कि सेल्सियस में बताएगा या फिर फ़ारेनहाइट में,
बाकी विंड की स्पीड जैसे आपको समझ में आता है उसी तरह से। और उसके बाद आते हैं बिटकॉइन पे, ये बिटकॉइन अभी ऑन कर सकते हैं, बिटकॉइन का रेट बताएगा। बाकी कैलेंडर है जो इस्लामिक कैलेंडर होता है वो बताएगा, और ये मुस्लिम पीरियड टाइम्स। और बाकी देखिए न्यूज़ के अंदर जाएंगे तो न्यूज़ के अंदर भी न्यूज़ API.org ये जो दिया लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको जाकर लॉग इन करना है, और वहाँ पर लॉग इन करने के जस्ट बाद आपको API की मिल जाएगी इस तरह की, तो आपको यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। और न्यूज़ सोर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, तो मैंने यहाँ पर पब्लिशर सेलेक्ट किया है कुछ इस तरह का पब्लिशर, और एक गूगल न्यूज़ सेलेक्ट किया है जो कि इंडिया की ही न्यूज़ बताता है सिर्फ। आप दूसरा यूज़ करोगे तो दूसरी तरफ की न्यूज़ बताएगा, सिंपल सी बात है। और लास्ट में सेटिंग डिवाइस, जिसमें आप इसकी ब्राइटनेस सेट कर सकते हो, तभी मैंने 3 पे रखी है, आप जो चाहे वो रख सकते हो जितना बन सकता है। ये एकदम यहाँ पर फुल हो जाएगा लास्ट पे रखोगे तो, और ये एकदम मिनिमम ब्राइटनेस हो जाएगी यहाँ पे रखोगे तो, मैं इसे 3 पे ही रखता हूँ। और बाकी स्क्रॉल की स्पीड देखिए, फास्ट फास्टेस्ट स्लो नॉर्मल, तो मैं अभी फास्ट पे रखा हूँ जैसे मुझे समझ में आता है। और ये रिफ्रेश डेटा, ये जो डेटा होगा आपका गूगल की न्यूज़ वगैरह, वो 30 मिनट के बाद चेंज होती रहेगी, या फिर जो भी आपका वेदर का डेटा है वो भी 30 मिनट के बाद चेंज होता रहेगा, तो आप चेंज कर सकते हो जितना मिनट चाहिए आपको उतने मिनट में चेंज होते रहेगा। और ये पैनल साइज, आप एक बात इसमें बताना मैं भूल गया कि इसमें आप 2 पैनल भी लगा सकते हो, जो 4-in-1 डिस्प्ले है, जो सॉरी डिस्प्ले आप इसके आई कनेक्ट कर दोगे सेम, तो ये लंबा डिस्प्ले बन जाएगा, आप इसे और लंबा डिस्प्ले बना के और बड़ा दिखेगा, आपको चाहिए तो कर सकते हैं। बाकी फ़ोन की साइज़ भी चेंज करना है तो ये चेंज कर सकते हैं इस तरह से। और LED टेस्ट करोगे तो दिस विल टर्न ऑन ऑल द LEDs विद मैक्सिमम इंटेंसिटी फॉर 2 सेकेंड। इससे होगा क्या कि 2 सेकेंड के लिए जो भी आपके LEDs है मैट्रिक्स के वो ऑन हो जाएंगे, जिससे आपको क्या पता चलेगा कि आपके LED कुछ ख़राब है या नहीं। तो मेरे इसमें एक LED ख़राब है, मुझे ये टेस्ट करने के बाद ही पता चला। बाकी फॉरगेट वाईफाई और इसे सेटिंग सेट कर दोगे तो पूरा सेटिंग सेट हो जाएगा, आपको डबल से उसमें भरना पड़ेगा। बाकी वाईफाई फॉरगेट हो गया तो फॉरगेट कर सकते हैं, मतलब वाईफाई कुछ इस तरह से डेटा इसमें अपडेट हो जाएगा। और फिर आपको करना क्या है, इस सब डेटा अपडेट होने के बाद फिर से सेटिंग में जाना है और गेट स्टार्टेड जो बटन है इस पर दबाना है, तो ये फिर से जो आपको स्टार्टिंग में आता है उसी तरह का ये आ जाएगा। तो स्क्रॉल करना है इस तरह से, तो यहाँ पे आपको बताएगा स्कैन एंड कनेक्ट, तो इस पर क्लिक करते हैं, अलाउ करते हैं, ये बैकग्राउंड में ओपन हो जाएगा इस तरह से, लोकेशन में एक्सेस दे देते हैं, फिर से स्कैन एंड कनेक्ट करते हैं। देखिए कनेक्टेड ही है हमारा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे जो आपका वाईफाई राउटर है उसकी डिटेल डाल दीजिए और कनेक्ट करिए, और जैसे कनेक्ट क्लिक करेंगे आप, ये डिटेल ESP के अंदर चला जाएगा, जो हमारा क्लॉक है उसके अंदर चला जाएगा, और क्लॉक रिबूट हो जाएगा, और रिबूट होने के बाद ये हमारे वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसका इम्पोर्टेंट ये है कि वाईफाई का आपको इंटरनेट होना चाहिए 24/7, जब ये अच्छे से काम करेगा। तो जस्ट इस तरह से आप काम कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर भी बताया गया है कि किस तरह से आपको चीज़ें करनी है, और इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है कि कुछ इश्यूज़ कैसे सॉल्व करने होते। तो गाइस अभी हमने इसके ऊपर सेटअप कर दिया है कुछ इस तरह से, अपन जैसे आपको बताया था, इसके अंदर डिटेल भी डाल दिए मैं, इसका जस्ट आपको दिखाने के लिए इसके अंदर का आइकन चेंज किया है, जो कि शायद वाईफाई या यूट्यूब का था, यूट्यूब का होगा शायद। तो चलिए अभी इसे ऑन करते हैं, ठीक है, ऑन हो चुका है। ESP में एड्रेस लिख कर आएगा और ये स्टेशन मोड में चला जाएगा STA। जब वाईफाई कनेक्ट हो जाता है तब STA बताता है, और जब वाईफाई कनेक्टेड नहीं होगा तब AP बताएगा। जब AP होगा तभी आप इसकी सेटिंग कर सकते हो, STA में होगा तो नहीं कर सकते। तो देखिए अभी टाइम बता रहा है, आज मंडे है तो मंडे बराबर बता रहा है आज, और 20 जून शायद जो भी है, 2 जून 2023 मुझे रिवर्स दिख रहा है सब, तो आप पढ़ सकते हैं। करंट टेम्परेचर रात का टाइम है, टेम्परेचर थोड़ा कम हो चुका है, दिन में 40% होता है। विंड की स्पीड बता रहे हैं यहाँ पे, अरे तो गूगल की न्यूज़ बताएगा लास्ट में। स्पीड भी आप कम जारी कर सकते हो, मैंने आपको बताया किस तरह से करना है, मुझे ये स्पीड सही लगती है तो मैंने ये रखी है, और फिर से यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए YouTube का जो लोगो था उसने यहाँ चेंज किया है, पहले एरोप्लेन का था यहाँ पे, लेकिन अभी YouTube का लगाया, जो भी आप चाहे लगा सकते हैं। तो मैं और एक बात आपको बताना भूल चुका है कि देखिए यहाँ पे जो RTC मॉड्यूल लगा हुआ है ये ऑन ही है, मैंने इसके अंदर हमेशा के लिए लगा दिया है,
ताकि मुझे जब भी इसे ऑफलाइन में चलाना हो तब मैं इसके अंदर जस्ट यहाँ से कोड अपलोड कर सकता हूँ। ये यहाँ पे से निकल जाता है इस प्लास्टिक, तो ये जो RTC मॉडल देख रहा है, तो ये आपको ज़रूरी नहीं कि जब NTP क्लॉक होगी इंटेंट वाली तब आपको यूज़ नहीं करना है, जब इंटेंट क्लॉक आप बनाते हो तब ये आप निकाल सकते हो, और जब आपको ऑफलाइन क्लॉक बनानी है तब इसे लगाना है RTC मॉड्यूल को। तो ऑफलाइन के लिए जो ESP मैट्रिक्स ऑफलाइन वाला जो ऐप होता है वही यूज़ करना है, बाकी सब कनेक्शन वगैरह बहुत सब सेम ही होता है, इसलिए मैंने इसकी PCB बनाई है जो कि जस्ट आप प्लग एंड प्ले हो गए, इस तरह से आप बना सकते हो। इसमें जस्ट कोड अपलोड कर दीजिए, बाकी आपका काम बहुत ईजी है। ऑफलाइन वाले इसमें जस्ट यहाँ पर जो ये आइकन दिखा रहा है आप इसे कंटिन्यूसली आपके हिसाब से चेंज कर सकते हो, इसमें वन टाइम ही चेंज होता है, अगर चेंज करना है तो AP मोड में डालना पड़ता है, क्योंकि ऑफलाइन क्लॉक AP मोड में चलती है 24/7, तो जब भी आप चाहे यहाँ का चेंज कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से आप भी क्लॉक बना सकते हो, बहुत ही सिंपल और बहुत ही शानदार क्लॉक है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और लाइक करके ज़रूर जाना क्योंकि इसको बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, और पूरे YouTube पे ये ऐप से रिलेटेड आप किसी ने वीडियो नहीं बनाया, जो ओनर था जिसने बनाया था वो YouTube छोड़ चुका है, तो उसका ना ईमेल पे रिप्लाई आता है ना वो कमेंट पे किसका रिप्लाई देता है, क्योंकि जिसने भी ये क्लॉक बनाया सबको एक ही इश्यू है, कनेक्ट ही नहीं कर सकते, जो कि मतलब यूजलेस ही हो गया उनके लिए। तो मैं इसका पूरा सॉल्यूशन बनाया, इसके ऊपर एक दो वीडियो बना चुका हूँ मैं, वो आप चेक करिए, और इतनी सारी मेहनत करने के लिए एक लाइक तो बनता है। तो कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट प्रोजेक्ट किस पर होना चाहिए वो भी बता दीजिए, मैं उस पर ट्राई करूँगा काम करने के लिए, और लाइक करके ज़रूर जाना और सब्सक्राइब भी कर लेना और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना ताकि आपको इस तरह की नई वीडियोस मिलती रहे। तो मैं यार वो आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ पर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, जस्ट देख कर चले जाते हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना भूलना मत, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, मैं 10 बार बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत मेहनत लगती है, इसमें पैसे भी लगाना पड़ते हैं, टाइम भी देना पड़ता है, मुझे दूसरे काम छोड़ के इसमें भी टाइम देना पड़ता है, तो आप समझ ही सकते हो इतना स्ट्रगल है इसमें भी। तो चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।